एकाएक कैसे आप यहाँ पे? ये निर्णय एकाएक नहीं हुआ है। इस निर्णय में अगर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसी ने निभाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं खुद निभाई है। आज अगर मैं समाजवादी के साथ में हूँ तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादों से तो मुकरे ही थे, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने स्थानीय नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते। और जिस संगठन में, जिस परिवार में अगर सम्मान ना हो, तिरस्कार होता रहे, तो वहाँ का व्यक्ति कब तक रहे? मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि व्यक्तिगत आरोप लगाना हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। परंतु इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यही हैदरगढ़ है जिसने इस उत्तर प्रदेश को एक बार मुख्यमंत्री दिया था, और वहाँ पे जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वहाँ पे आके उन्होंने मेरे स्वर्गीय पिताजी को याद तक नहीं किया। मैं अपने द्वारा, अपनी वाड़ी द्वारा, अपने जनपद ही नहीं, अपने लोग से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति से यही सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा निर्णय किसी भावाभेष में नहीं है, मेरा निर्णय किसी आडंबर में नहीं है, मेरा निर्णय किसी अहंकार में नहीं है। परंतु हाँ, अहंकार रूपी लोग जो आज कुर्सी पे, सत्ता पे लोभी बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ है मेरा निर्णय। आज अगर मैं यहाँ पे कुर्सी में खड़ा हूँ, आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र यहाँ से प्रत्याशी हैं, राकेश जी भाई साहब हैं, फरीद केतोई जी रामनगर से हैं, रामनगर से जो प्रत्याशी हैं वो खुद हमारे परिवार के कितने इष्ट रहे हैं। आज मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने के एक अलग दौर पैदा कर दिया है। बांटो और राज करो, ये तो अंग्रेज़ों की नीतियाँ हुआ करती थी, लेकिन हाँ, कब तक हिंदू मुस्लिम को बांट के आप और लाशों पे आप रोटियाँ सेकेंगे? आप बस करिए, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा है, हिंदुस्तान कौमी एकता का एक ऐसा मुजाहरा है जिसको पूरा देश देखता है, पूरा विश्व देखता है। कब तक बांटो के और राज करो? अब एक मुख्यमंत्री के, डिप्टी सीएम के परिवार से आप आते हैं, तो कैसे आप हो गया कि आप भी समाजवादी ज्वाइन करें? क्या वजह थी इसके पीछे? मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर मेरी कोई है तो मैं स्वर्गीय सुरेंद्रनाथ अवस्थी पुत्तू भैया जी का पुत्र हूँ। मेरे परिवार की राजनीति रिश्तेदारी से पहले भी थी। और रही माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की बात, तो जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो एक दायरे में होते हैं, राजनीति केवल रिश्तेदारी से नहीं निभाई जाती है। वंशवाद के मैं हमेशा खिलाफ था, अगर आज यहाँ पे हूँ उनका सम्मान घर में है, लेकिन हाँ, आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो बाराबंकी का सम्मान भी तो देखूँगा। बाराबंकी मेरा असल परिवार बाराबंकी। आपने रामनगर में बहुत मेहनत की थी, बीजेपी से टिकट भी मांगा था, कोशिश किया था, दो बार मांगा।